दलाल की गुंडागर्दी के बाद अभी चाहत पांडे भी चली वही रास्ते। चाहत पांडे जो है काफ़ी छुपा दी है, जिसके बारे में मैंने आपको सुबह में ही बता दिया। लेकिन अभी चाहत से जब विवियान पूछते हैं कि किसी ने मेरी कॉफ़ी चोरी की, यहाँ सबके सामने बोलते हैं विवियान, तो चाहत का कहना है कि चोरी नहीं की, मैंने छुपाई है। वहाँ पर रजत बोलते हैं यार ये तो बोंजर था, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुँह पर बोल दिया चाहत ने। यहाँ पर जो है विवियान बोलते हैं ये जो है मेरा पर्सनल सामान है, जहाँ पर मेरे पर्सनल सामान को तुम हाथ नहीं लगा सकते। क्योंकि विवियान ने जब चाहत की वो पर्सनल चीज़ उसके वो बॉक्स को हाथ लगा दिया था, तो पर्सनल सामान, लड़की के पर्सनल सामान को हाथ नहीं लगा सकते, काफ़ी सारी चीज़ें चाहत ने बोली थी। यहाँ पर विवियान ने भी यही बोला, पर्सनल सामान को हाथ नहीं लगा सकते। चाहत का कहना है कि तुम राजा हो, हम प्रजा है, तो प्रजा के पास चाय नहीं है तो राजा कैसे चाय पी सकता है। तो जब तक तुम टाइम गार्ड हो तब तक तुम्हें कॉफ़ी नहीं मिलेगी, अगर कॉफ़ी चाहिए तो हमें चाय दे देना। चाहत भी यहाँ पर सही है, चाहत इन लोगों को चाय चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है सारा को जो है जो पोजेस्ट होके बैठी है, जिसके आंग में भूत आ गया है, जो कि भूत सिर्फ पोपट पोपट ही लगा हुआ है, पोपट का नारा लगाए बैठा हुआ है, उस सारा को जो है कल उन्होंने चाय कॉफ़ी जीती, जिस वजह से विवियन ने दंड दिया है। अभी विवियन के पास कोई बड़ी पावर तो बिग बॉस ने नहीं दी है कि ये जो वह हरकतें करते हैं इनको दंड दिया जाए, चाहे छोटे दंड जो होते हैं वो विवियन दे रहे हैं, लेकिन इसके भी खिलाफ ये लोग ऐसी